बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 25 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात और आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको दुबई यूएई की ताज़ा न्यूज़ अपडेट से आगाही फ्राहम करने वाले हैं, इसलिए ताज़ातरीन न्यूज़ अपडेट्स को आपने अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी शेयर करना है और अगर हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले मिला करें। तो नंबर वन पर आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फ्राहम करें कि इस वक्त मुतहदा अरब इमारात में दुबई के हवाई अड्डे ने एक अहम रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि नकाब नहीं पहन सकते और किस किस्म का आपको मास्क पहनने की ज़रूरत होगी। इस बारे में दी जाने वाली मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाही फ्राहम करें तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो हैंडेड स्कार्फ और शाल को बतौर मास्क हरगिज इस्तेमाल ना करें। इमारात एयरलाइंस ने भी प्रवास करने वालों से कहा है कि वो प्लास्टिक मास्क से मुकम्मल तौर पर बचें। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए मुसाफिरों को कपड़े या सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करना होगा। इस बारे में दी जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि और इस बारे में एयरलाइंस ने भी कहा कि किसी की तकदीर पर मुनहसर है कि मखसूस मास्क की ज़रूरत आपको हो सकती है और एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर यह भी कहा कि मकामी हुकूमत के जवाबत के सबब दुबई से जर्मनी, फ्रांस, आस्ट्रेलिया जाने वाली परवाजों में सिर्फ तिब्बी चेहरे के मास्क को ही कबूल किया जाएगा। इस बारे में मुसाफिरों को लाजमी तौर पर पूरी दुबई के हवाई बोर्डिंग के दौरान और हवाई एयरपोर्ट से लेकर जब आप रवाना होंगे तो कपड़े या मेडिकल मास्क का आपको इस्तेमाल करना होगा। तो इस बारे में आपको बताते चलें कि कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि मास्क अगर ना भी पहने तब भी उनको कोई जुर्माना नहीं होगा या उनको इजाज़त मिल जाएगी। तो इस बारे में मज़ीद अपडेट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों और जिन मुसाफिरों की तिब्बी हालतें ख़राब हैं उनको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा। तो इस बारे में मज़ीद भी डिटेल जारी करते हुए कहा है कि कौन कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा या कौन कौन सी उनको तिब्बी वजूहत हैं जिनकी वजह पर वो मास्क पहनने से इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। तो इस बारे में नंबर वन पर उन्होंने कहा है कि पार्किंसंस की बीमारी वाले अफराद भी मास्क ना पहने तो उन पर कोई भी जुर्माना जो है वो नहीं किया जाएगा। इस तरह बीमारियों की एक लिस्ट जारी की है कि ये अगर बीमारियाँ हैं तो उनको नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अल्जाइमर की बीमारी, डेमेंशिया की बीमारी, हाइड्रोसेलेफिस की बीमारी और डाउन सिंड्रोम की बीमारी और इसके बाद एंटिज़म स्पेक्ट्रम की हालत और वो सारफीन जिनको इजाफी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है या अमल तनफ़ुस में उनको ख़राबियाँ पैदा हो गई हैं तो वो भी मास्क पहनने से इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दिल की बीमारी वाले अफराद, सिस्टिक फाइब्रोसिस की बीमारी वाले अफराद और दमा की बीमारी वाले अफराद भी मास्क पहनने से मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। इस बारे में उन्होंने कहा है कि अगर आप मास्क पहनने के इन बीमारियों में से काबिल नहीं हैं तो आपको अपनी परवाज़ से पहले मेडिकल इन्फॉर्मेशन फॉर्म भी मुकम्मल कराना होगा जिसमें आपकी बीमारी के बारे में लिखा होगा, जिसकी वजह से आप जो है मास्क पहनने से छूट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाही फ्राहम करें कि इस वक्त मुतअद्दिद अरब इमारात का ट्रैफिक अलर्ट मुतअद्दिद हादसात दुबई में ताखीर का सबब बने। इस बारे में दी जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि बुध के रोज़ दुबई में होने वाले हादसात और शारजा में ट्रैफिक के रश की बायस गाड़ियों को बहुत ही खासी ताखीर का सामना भी करना पड़ा और इस हवाले से अलखैल स्ट्रीट के करीब शेख मोहम्मद बिन जैद रोड पर हादसे की इतला देने के लिए पुलिस ट्विटर पर मैदान में आ गई जिससे अबू धाबी की तरफ ताखीर हुई और उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाने वालों को ताखीर से बचने के लिए मुतबादल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा भी दिया गया था। इसके अलावा एक और ट्वीट में पुलिस ने अबू धाबी की तरफ सब्जियां मार्केट पुल से पहले शेख मोहम्मद बिन जायद रोड पर एक हादसे की इतला दी और गाड़ी चलाने वालों को इजाफी मोहतात रहने का भी मशवरा दिया गया। इस तरह सुबह 9:08 पर दुबई पुलिस ने हैसा स्ट्रीट से जबल अली की तरफ निकलने से कबल अलखैल स्ट्रीट पर एक हादसे के बारे में भी ड्राइवरों को अलर्ट जारी किया था और इसके अलावा दुबई अल एन रोड पर नाद अल शीशा और 4 की तरफ जाने वाली से पहले एक हादसे की भी इतला दी जिससे गाड़ियों को ताखीर हुई। एक और हादसा भी फेस्टिवल सिटी के मुखालिफ रबात स्ट्रीट पर वाक़ हुआ जिसकी वजह से अलका की सिमत को भी रोका गया था। इसके अलावा बाकी भी बहुत सारे हादसात की इतला मिली जिसकी वजह से ड्राइवरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस हवाले से ट्विटर पर उन्होंने पैगाम दिया है पुलिस ने कि आपको जो मुतबादल रास्ता इख्तियार करना होगा और वक्फे वक्फे से इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाते रहे हैं। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि उन्होंने इस हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक सबसे अहम तरीन खबर से आगाही फ्राहम करें कि इस वक्त शारजा में हर 2 हफ्ते के बाद PCR टेस्ट किस किस को देना होगा तो इस बारे में मज़ीद डिटेल भी जारी कर दी गई है।
इस बारे में दी जाने वाली मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाह फराहम करें। तो इस वक्त शारजा बल्दिया ने आज के अवलीन में ऐलान किया था कि खाने के इदारों इन्हें रेस्टोरेंट्स और दूसरे इदारों में कारकुनान को हर दो हफ्तों में PCR का COVID-19 टेस्ट देना होगा। इसमें एक आला अहदेदार ने खलीज टाइम्स को कथित तौर पर इसकी वजाहत की है कि कौन सा टेस्ट देने की जरूरत होगी। रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, कैफे और बेकरी में वर्कर्स के तमाम अफराद को टेस्ट देने की जरूरत हो सकती है। और शहरी इदारों ने शारजा में खाने पीने के सामान की मुआयना मुहिम तेज कर दी है ताकि ये मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाया जा सके कि एहतियाती तदाबीर और हिफाजती प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इस बार में शारजा सिटी म्यूनसिपलिटी के डायरेक्टर जनरल थाबेस अल करामी ने कहा कि शहरी दिफा फूड आउटलेट्स में हिफाजती प्रोटोकॉल और एहतियाती तदाबीर के बारे में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने के लिए इस मुहिम को तेज किया जा रहा है। और इस बार में वायरस फैलने के मुतहरक सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हिदायत को बाकायदगी से अपडेट भी किया जा रहा है। इस बारे में म्यूनसिपलिटी ने खाने के इदारों को हिदायत जारी की है जिनमें मेजों के दरमियान 2 मीटर का फासला बरकरार रखना भी शामिल था और एक मेज पर 4 अफराद की बजाय अब 2 अफराद जो है बैठने की इजाज़त दे दी गई है अगर वो एक कुंबे के नहीं है तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि शारजा की तरफ से रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज की तरफ से इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह फराहम करें। इस वक्त पहले 50 सालों में मुतहदरा बीमारात मरीख तक पहुँच गया और अगले 50 सालों के लिए भी रहनुमाओं के मजीद ज़बरदस्त ख्वाब भी शामिल हो गए। इस बारे में दी जाने वाली मुकम्मल तफसीलात से आप लोगों को आगाह करें तो उन्होंने कहा कि इसकी तश्कील के बाद से ही मुतहदरा बीमारात ने कामयाबी की एक अनोखी कहानी पेश की है और उनके ख्वाब सिर्फ और बढ़ने वाले हैं। इस बारे में हाइनेस के मुताबिक मुतहदरा बीमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद मख्तूम ने कहा कि मिसालत रहनुमा के तबसरे आइंदा 50 बरसों में मुल्क की तरक्की के लिए एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क भी वादे करने के लिए 2 रोज़ा पिस्पाई के अख्ताम पर आए हैं। इस बारे में दुबई के हुक्मरान ने कहा कि पिछले 50 सालों में हमने अपनी सरजमीन के सहरा से मरीख तक के सहराई का सफ़र का आगाज़ किया और अगले 50 सालों में हमारे ख्वाब और भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। इस बारे में शेख मोहम्मद ने कहा कि मुतहदरा बीमारात ने दुनिया के सामने एक गैर मामूली तरक्याती नमूना पेश किया जिसने इंसानी सरमाए को अपने तमाम तर तरक्याती और माशी मनसूबों का मरकज़ बनाया। उन्होंने कहा कि हम इस हद तक पहुंच गए हैं क्योंकि मुतहदरा बीमारात में नामुमकिन चीज़ की कोई नाम की चीज़ मौजूद नहीं है और हमारे पास साइंसी तालीमी और माशी वसाइल हैं क्योंकि अगले 50 सालों में मुतहदरा बीमारात को नए मुहाफ़ज़ों तक ले जाएंगे और हमारे पास मोहम्मद बिन जायद ने इस सफ़र की रहनुमाई भी की है। इस बार में शेख मोहम्मद ने कहा कि मुतहदरा बीमारात